YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम दबाकर पाएं प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। डाल्टनगंज शहर के समीप रेडमा प्रताप नगर टाउन नंबर 2 में अंग्रेजी विषय के लिए नए कोचिंग संस्थान ए प्लस एकेडमिक्स का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि झारखंड प्रदेश की पूर्व ग्रामीण विकास सह श्रम मंत्री केन त्रिपाठी ने फीता काटकर किया। मौके पर संस्थान निदेशक शरद कुमार सहित शहर के गणमान्य जन और छात्र छात्राएं काफी संख्या में उपस्थित रहे। इससे पूर्व संस्थान की ओर से आगंतुकों को फूलों का गुलदस्ता भेंट कर बड़े गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। वहीं उद्घाटन के उपरांत आगत अतिथियों ने संस्थान निदेशक को भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं दी। अपने संबोधन में पूर्व मंत्री ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अनिवार्य अंग्रेजी विषय की तैयारी ए प्लस एकेडमिक्स में विद्वान शिक्षकों द्वारा बेहतर तरीके से कराए जाने की व्यवस्था दी गई है। कहा कि विषय को लेकर विद्यार्थियों के लिए सारी तैयारियां डिजिटल माध्यम से कराई जाएगी और अंग्रेजी भाषा की बारीकी से विद्यार्थियों को अवगत कराया जाएगा। वहीं संस्थान निदेशक ने कहा कि ऑडियो और वीडियो के अलावे प्रोजेक्टर की सहायता से भी अंग्रेजी विषय का ज्ञान इच्छुक अभ्यर्थियों को संस्थान द्वारा दी जाएगी। शरद जी दिल्ली में वहाँ के लोगों को शिक्षा दे रहे थे कोचिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से, अब वो अपने घर में आ गए हैं। यहाँ के बच्चों को उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा देने के लिए उन्होंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की है और हमें लगता है कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट डाल्टनगंज में अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में अव्वल दर्जा हासिल करेगा। मैं इनको शुभकामना देता हूँ और इस कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी शुभकामना। इस संस्थान है जिसमें उन बच्चों को इंग्लिश सिखाई जाएगी जो सरकारी माध्यम से पढ़े हों या किसी कारणवश इंग्लिश में नहीं बोल पा रहे हों, लिख पा रहे हों, समझने में असमर्थ हैं, जिनकी वजह से उनका जो आगे का मार्ग है वो अवरुद्ध हो रहा है, उसके लिए ये संस्थान खोली गई है। इसमें क्या क्या इसमें सिर्फ इंग्लिश अभी पढ़ाई जाएगी उन बच्चों को जो इंग्लिश में बेहद कमज़ोर है उनके लिए है, उनको बिल्कुल बेसिक लेवल से इसमें सिखाया जाएगा और वो एडवांस लेवल तक कंप्लीट करेंगे। ये कोर्स 1 साल का होगा, 1 साल में वो बच्चे पूरी बारीकी से अंग्रेजी सीख पाएंगे।